कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल है, भाजपा जो करे उससे उल्टा ही सही, ऐसा बन गया ख्याल है। देश में बड़े जानवरों को मारने पर लगी रोक, तो इन्होंने मार दी गाय। अब क्या कहें, कहां तक कोई इन्हें समझाए। करपात्री जी के आंदोलन के समय साधु संतों पर हुआ अत्याचार, शायद इंदिरा गांधी की आत्मा भी कर रही होगी उसका परिष्कार। अब देखिए, भारत माता की जय के नारे के विरोधी कह रहे भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, साथ खड़े हो गए कांग्रेसी और गद्दार। क्या इन्हें कहेंगे हम समझदार। जीएसटी का विरोध देख लगता खत्म हो गई समझदारी अनुरोध, इस पर होना ही चाहिए कांग्रेस का फिर से शोध। भाजपा को हिंदूवादी कहेंगे तो हम बन जाएंगे मुस्लिम परस्त, तो रहो यूं ही विपक्ष में और मस्त। अब राष्ट्रपति चुनाव आ गया, विपक्ष कर रहा तैयारी, मोदी जी के लिए आसान है क्योंकि वे तो पार हुए चल तलवार दुधारी। लोग रोकते रहे दल के अंदर बाहर एक समान, पर वीर चलते अपनी राह नहीं होते परेशान। उत्तर प्रदेश में बहुत साल से कांग्रेस एकला चलो का पथ अपनाया था, हर चुनाव में जोर लगाया था, इस बार पिछला किया धरा दिया बिगाड़। अखिलेश को मान लिया बड़ा, राहुल हो गए छोटे सरकार। भाजपा का उल्टा ही सही, पता नहीं किस कम अक्ल ने यह बात कही। इसके उल्टे देखो तो अमेरिका ने नहीं दिया था मोदी जी को वीजा। अब क्या हाल है, मोदी मोदी के नारों से गूंजता अमेरिका और उल्टी पड़ी चाल है। मेक इन इंडिया का कर रहे विरोध, तो लोग सहज ही कह देते इन्हें मेड इन इटली है भाता, इनका इस देश से क्या है नाता। नीतिगत विरोध समझ में आता, पर कांग्रेसी जब सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध पर उतर जाता तो लोग कह उठते पप्पू कम अक्ल कुछ नहीं समझ पाता। देश हित पर तो खड़े ही होना चाहिए साथ, वरना तो यह सूरज अस्त ही समझो। अब न आएगा दिन चलती रहेगी रात, अब ही 44 हो जाओगे 4 अगर बना रहा यही व्यवहार। नोटबंदी पर बैठना था घर तो खड़े हो गए लगा कतार, जैसे इन्हें ही 4000 की हो दरकार। लोग आपको जानते हैं कितना धनी आपका परिवार। फटा कुर्ता दिखा क्या पाया, जो हाथ था वह भी गंवाया। रानी महल में रहने वाले अपने को गरीब कहने वाले, अमीर ही रहो पर बात जो देश हित में हो वही कहो, पर बात जो देश हित में हो वही कहो। कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल है,